नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। क्या चल रहा है मार्केट में, जरा उसके बारे में बात करते हैं। और ब्लॉकटोपिया, ब्लॉक इसने एक बर्निंग की है काफ़ी ज़बरदस्त, क्या उसका प्राइस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में। और बाइनेंस ने ऐसा बहुत थोक के भाव में पेयर्स को डीलिस्ट किया है, शिबा इनू भी है, आपका एप्टॉस भी है, जैस्मी भी है, बताता हूँ और कौन कौन से टोकन है। प्लस इथेरियम में इतना सेल क्यों हो रहा है, लगभग 40,000 के आसपास इथेरियम आज फिर सेल में गए कॉइन बेस पर, ये सब हो क्या रहा है। चलो वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। पहले लेते हैं ब्लॉकटोपिया कि ब्लॉकटोपिया में आखिर क्या है। देखिए सर, ब्लॉकटोपिया में अभी एक रिसेंटली जो बर्निंग हुई लगभग 40%, यानी कि टोटल सप्लाई में से 40% गया। अब 40% गया लेकिन प्राइस तो कहीं नहीं गया। सीधा सा हिसाब यही था कि जब इतनी बड़ी संख्या में बर्निंग हो रही है तो प्राइस क्यों नहीं कहीं गया। प्राइस केवल आपका 1 से 1.5% ही बढ़ा, और अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो फिर से वो 1% डाउन में ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बर्निंग का ब्लॉकटोपिया पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो चाहिए था। वैसे तो वो कहते हैं कि 2% 5% बर्निंग होती थी जब मार्केट अच्छा होता था, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको अच्छा नजर आता था। लेकिन आजकल क्या है, बर्निंग इतनी बड़ी संख्या में हो रही है और इम्पैक्ट आपको ना के बराबर दिखाई दे रहा है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकटोपिया में हुआ कि बर्निंग हो गई, लोगों को पता तक नहीं चला, और यहाँ तक कि प्राइस भी कहीं नहीं गया। अब रिसेंटली जो हुआ है, देखिए यहां पे आपको चाहता हूं, ब्लॉकटोपिया पर पूरा एक डिटेल वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर भी है और अर्न विद रोहिताश चैनल पर भी, दोनों पर अवेलेबल है। आप जो है कहीं भी जाके इसका डिटेल का जो वीडियो वो देख सकते हैं। बाकी करंट में रिसेंटली अब इसमें क्या बचा मैं आपको वो बता देता हूं। 40% बर्न हुआ है और अब इसका जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो रिसेंटली जो नया हुआ वो हुआ लगभग 18.5 बिलियन का, ठीक है। अब इसका सर्कुलर सप्लाई ये हो गया, मैक्सिमम सप्लाई आपकी इसकी जो लगभग 200 बिलियन की हुआ करती थी वो अब घटकर 117.2 बिलियन की हो गई है। तो ये इंपैक्ट हुआ 40% बर्निंग के बाद। इधर सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ी सी आपकी बढ़ गई, यानी कि जो 17 के आसपास हुआ करती थी वो 18.5 बिलियन हो गई, और जो मैक्सिमम सप्लाई आपकी 200 बिलियन की थी वो घट के 117 बिलियन के आसपास ये आ गई। यही केवल आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है, बाकी ये कहो प्राइस कहीं गया हो, प्राइस कहीं नहीं गया। प्राइस आपका अभी भी डॉलर में 0.002 की सीरीज में चल रहा है, यही बहुत दिनों से चल रहा है। प्राइस नीचे ही आया, कहीं ऊपर कहीं नहीं गया। और लगभग आप ये मान लीजिए अगर 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका देखा जाए तो लगभग 14 से 15% डाउन में है। तो भाई आजकल बर्निंग का भी क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता आजकल, नहीं पड़ता साहब, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं पड़ता कि मार्केट के हालात ही बहुत ख़राब है जो चल रहा है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी आपको रोज़ अपडेट दे रहा हूँ। इस हालात की वजह से अभी फिलहाल कितनी भी बड़ी बर्निंग हो जाए उसका कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। और रिसेंटली अभी एक और बर्निंग होने वाली है बेबी डॉज में 100 क्वाड्रिलियन की, और प्राइस देख लिए ऊपर की बजाय ऐसे लग रहा है पाताल में जा रहा है, यानी कि वो एक नया ऑल टाइम हाई की बजाय ऐसे लगता है जैसे ऑल टाइम लो बनाने वाला है। और बर्निंग कितनी, 100 क्वाड्रिलियन। तो बेबी डॉज का ये हाल है। वही मैंने कहा कि ब्लॉकटोपिया में भी 40% बर्न हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है मार्केट का सेंटीमेंट, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। और मार्केट का सेंटीमेंट अभी देखिए नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव में कुछ भी आप चाहे लिस्टिंग करा दो या बर्निंग कर दो, कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। क्यों, यहाँ थोड़ा सा ये भी होता है कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसका विश्वास भी यहाँ टूटा हुआ होता है, उसी की वजह से आपको ब्लॉकटोपिया में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। बाकी देखिए इथेरियम, मैं आपको यहाँ इथेरियम के बारे में रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ जो इसमें सेल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज तो देखिए नहीं पता चली, लेकिन इतना जरूर है कि इथेरियम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो हो सकता है बाद में पूरी तरह से खुल के आ जाए। इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग क्यों हो रही है आखिर। अभी भी देखिए दो ट्रांजैक्शन इसके हैं, एक है 19,366 टोकन इथेरियम का, दूसरा है 19,459 टोकन का। दोनों के दोनों जो है सेल ऑर्डर लगे कहां पर, कॉइन बेस पर, और मोस्टली या तो क्रैकन पर सेल हो रहा है या कॉइन बेस पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी वेल्स हैं मुझे लगता है कि वो माल को धीरे धीरे निकाल रही हैं। और जब इस तरीके से देखिए, जब वेल्स बेच देगी 19,000 20,000, इतनी बड़ी संख्या में हमारे आपके बस का नहीं है बेचना, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या वेल्स हैं, अगर वो धीरे धीरे अपने माल को इस तरीके से बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर देखिए प्राइस भी इथेरियम का नीचे आएगा। करंट में प्राइस आपका $1783 पर चल रहा है, और अगर ऐसे ही सेल होता रहेगा तो देखिए फिर तो प्राइस थोड़ा सा इसका और नीचे ही जाएगा। लेकिन वजह वही है कि क्रैकन और कॉइन बेस पर ही क्यों सेल हो रहा है,
सवाल यहां पर है भाई, होने को देखो बाइनेंस पे भी कभी कभी होता है, लेकिन यहां तो रेगुलर आजकल सेल हो रहा है, तो यहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब जो भी चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आखिर इन दोनों पर ही क्यों ज्यादा बेचा जा रहा है। बाइनेंस आजकल सब अपने बारे में सोचते हैं, पहले आपके बारे में कोई नहीं सोचता। स्पॉट्स पेयर की भी इतनी भरमार संख्या में इस बार डीलिस्ट कर दिया बाइनेंस ने कि आप भी सोच के हैरान रह जाएंगे। 26 तारीख यानी कि 26 तारीख आपकी लास्ट डेट है इसकी, ये सारे के सारे पेयर्स आपके रिमूव हो जाएंगे, उसमें शिबा इनू भी शामिल है। चलिए मैं बता देता हूं, आपका एप्टोस एपीटी एएमपी शिबा इनू और जीएएल जीएमटी एवेक्स लिंक सेंड जैसमी एएमपी एएक्सएक्स और आपका डॉट लिस्ट में आपको दे रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ मेन मेन टोकन बताए कि बताइए जब ये इतने मेन मेन जो अपने कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में ऊपर के टोकन हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जिनके पास वॉल्यूम अच्छा है, इसका मतलब इनमें भी उतना ट्रेड नहीं हो रहा कि बाइनेंस को कुछ प्रॉफिट हो। तो इसलिए बाइनेंस ने इन पेयर्स को हटाने का पूरा एक तरह से फैसला कर लिया और आपके पास भी मौका है 26 तारीख तक का। 26 तारीख तक आप देख लीजिए, अगर आपके पास ये होल्डिंग है और पेयर जो आपका है अगर ऐसा कुछ है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां से ये खत्म हो रही है कहानी, और वो पेयर भी खत्म हो जाएगा तो इसलिए आप उसमें सेल परचेज कर भी नहीं सकते। बाइनेंस ने देखिए अपना प्रॉफिट देख लिया, आपका प्रॉफिट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आजकल ये सबसे बड़ी वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैनिक वाली चीज हो गई है कि नहीं पता चलता कब कौन सा एक्सचेंज क्या चीज कर दे, एक्सचेंज चला जाए या किसी टोकन को ही निकाल के बाहर कर दे। अब स्पॉट से ये पेयर हट गए, यानी कि अब इन पेयर्स में आप वहां पर कोई भी ट्रेड सेल परचेज नहीं कर सकते। बस इतना ही खतरा है और कोई खतरा नहीं है, डीलिस्ट नहीं किया है। आप ये चीज ध्यान रखें कि अपने यहां से फिलहाल ये पेयर खत्म हुए हैं, डीलिस्ट नहीं हुआ है। डीलिस्ट और पेयर खत्म करने में बहुत फर्क होता है, तो आप ये पैनिक न लें कि ये बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया, डीलिस्ट नहीं हुआ है, केवल पेयर खत्म हो रहा है। तो आप अपनी लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। और बीटीसी आपका इस टाइम पर 26,250 की रेंज पर अभी चल रहा है। तो देखिए मार्केट में वही एफओएमसी का जो एक भय पैदा हुआ और वहां क्लियर हो गया कि भाई जो भी होना था वो हो चुका, और मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में ये चीज बता भी थी कि आखिर एफओएमसी ने क्या डिसाइड किया है। उसका इम्पैक्ट देखिए, जो रिजल्ट था उसका ज्यादा नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो कमेंट्स निकल के आए उसका इम्पैक्ट आपको तो थोड़ा सा ही देखने को मिला। लेकिन ये कहो कि वहां से बहुत ज्यादा कोई क्रैश हो गया उससे, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये जो पैनिक है ना, मुझे लगता है एफओएमसी से ज्यादा जो एक तारीख है ना, 1 जून, ये अमेरिका का डेप्थ सीलिंग वाला है कि वो डिफॉल्ट करेगा या अपने आप को बचा लेगा, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पैनिक ज्यादा कर रहा है। वो अभी चल रहा है करंट में, उन्होंने वही चीजें सारी सामने रखी हैं, और वो इन्फ्लेशन को घटाना चाहते हैं, वो घट नहीं रही है, वही चीज उन्होंने सामने रखी। बाकी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर कोई फैसला हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये कहो कि उससे कुछ ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है वो नहीं आ रहा है। आप ये जो एक तारीख का जो मसला है ना, ये सबसे बड़ा है जो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को या स्टॉक मार्केट को पैनिक में ला रहा है। तो बस यही है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो वही हमेशा से कहता हूं कि कई बार मार्केट को कहते हैं जज करना चाहिए, थोड़ा सा उसको देख लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखते ना अरे लो आ गया लो हो रहा है, लो तो किसी ने नहीं देखा। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा जज करो, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करो। पैसे को जेब में रखो, पैसा होगा तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और पैसा आप जबरदस्ती डालते रहोगे तो देखिए फिर लो 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 यही आपको देखने को मिलेगा। एक साल से आप वही, एक साल से क्यों, अब तो लगभग 2 साल होते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आपको ज़्यादा मिला कुछ नहीं है, थोड़े बहुत बीच में जिन्होंने प्रॉफिट लिए वो तो ठीक, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया उनको तो कुछ भी नहीं मिला, उनका पोर्टफोलियो तो आजकल डाउन में ही डाउन में है। तो इसीलिए मैंने अपने सेकंड पोर्टफोलियो की शुरुआत करी थी, जिससे कम से कम कुछ लोगों के जेब में पैसा तो आया, जिन्होंने प्रॉफिट लिया, जिन्होंने नहीं लिया वो आज पछता रहे होंगे। खैर जो भी है, मार्केट को आप थोड़ा सा, वो कहता है आप मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।